हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जराहट के हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जिस महिला के ये दो अंग होते हैं बड़े, उन महिलाओं से चमक जाती है ससुराल वालों की किस्मत। आइए जानते हैं, समुद्र शास्त्र में कई ऐसी राज मिलती हैं जिनसे अपने भविष्य के बारे में कई बातों का पता चलता है। इनमें अगर हम शरीर के बनावट में नजर डालें तो भविष्य के बारे में कई बातों का अनुमान लगाया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति की शरीर की बनावट के आधार पर उसके गुण दोषों का पता लगाया जा सकता है। आज हम इसी वीडियो में बता रहे हैं महिलाओं के बारे में कुछ विशेष बातें जिससे वे अपने पति और ससुराल वालों के लिए लाभ और धन दोनों लेकर जाती है। आज हम महिलाओं के शरीर के ऐसे कौन से अंग हैं जो ससुराल के लिए शुभ माने जाते हैं, इस बारे में बात करेंगे। ऐसा माना जाता है कि लड़कियों के काले लंबे बाल उनकी खूबसूरती को बढ़ाने के साथ साथ भाग्य और सौभाग्य का भी प्रतीक माना जाता है। इस वजह से जिन लड़कियों के काले लंबे बाल होते हैं वे ससुराल वालों के लिए सौभाग्य का कारण बनते हैं। लड़कियों की लंबी गर्दन सौंदर्य के साथ ही सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। जिन स्त्रियों की गर्दन लंबी होती है वे स्त्री शुभ लक्षणों वाली मानी जाती है। दोस्तों, जिन स्त्री के वक्ष बड़े होते हैं वे शुभ लक्षण वाली मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि लड़कियों के छोटे वक्ष दुख और परेशानियां लेकर आते हैं, तो वहीं बड़े वक्ष सुख सौभाग्य और धन संपदा की प्राप्ति वाले माने जाते हैं। अगली चीज, जिन स्त्री की नाभि बड़ी और गहरी होती है वह शुभ मानी जाती है। समुद्र शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री की नाभि बड़ी गहरी और दाएं और मुड़ी होती है वह स्त्री ससुराल में धन सुख और संतान से संपन्न बनी रहती है। समुद्र शास्त्र में माना जाता है जिन स्त्रियों के लंबे और चिकने पैर होते हैं वे देवी लक्ष्मी के समान शुभ मानी जाती है। तो हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी और आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है। धन्यवाद।